नमस्ते दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ सैजिटेरियस में जब डिवाइन फेमिनाइन होती है तो क्या होता है। ओके, सैजिटेरियस में डिवाइन फेमिनाइन हो या कोई नॉर्मल गर्ल भी हो, देखो जैसे सैजिटेरियस है ना, धनु राशि जो है मूलतः तो वो आध्यात्मिक राशि है। ओके, अग्नि की भी राशि है। मैं जस्ट मेरे गुरु ने कही हुई बात जो है आपको बताती हूँ। शरद उपाध्याय जो है उन्होंने, मतलब वो ज्योतिषी है और उनका एक वॉइस क्लिप कही या वीडियो पता नहीं किसमें देखा था मैंने, तो मुझे बराबर ये चीज़ जो है लागू हुई है मेरे ऊपर। ओके, उन्होंने बताया था कि एक लड़की रहती है जो कि सैजिटेरियस मतलब धनु राशि में रहती है। क्या होता है कि गलती से एक पॉलिटिशियन का लड़का उसको छेड़ देता है। ओके, तो जनरली क्या होता है कि ये पॉलिटिशियन का लड़का जो होता है हर किसी को छेड़ता है, बट क्योंकि ये पॉलिटिशियन का लड़का होता है तो हर कोई इससे डर के रहता है और उसको जो है जवाब नहीं देता। लड़कियां वो छेड़खानी बर्दाश्त कर लेती हैं, पर दुर्भाग्यवश उसने जो है इसको छेड़ डाला, तो इसने जो है उसको पकड़ा और ले गई पुलिस थाने, और दुर्भाग्यवश जो लेडी कॉन्स्टेबल थी या जो भी था वहाँ पर वो भी ईमानदार निकला और ये फंस गया। इसके नाम पे जो है रिपोर्ट बन गई। अब इसको जो है कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े और ये ठहरा पॉलिटिशियन का बेटा। लेकिन वो जो, मतलब देखिए गुनाह कितना है छोटा सा कि उसको छेड़ डाला, लेकिन इसने हार नहीं मानी। सैजिटेरियस लड़की जो थी उसने हार नहीं मानी, उसने कहा इसको तो मैं जो हूँ इसको सबक सिखा के रहेंगे, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। 10 साल तक कोर्ट के चक्कर उसने काटे, मतलब ये एग्जाम्पल जो है शरद उपाध्याय जी ने अपने किसी वीडियो में बताया था, वही मैं आपको बता रही हूँ। 10 साल उसने चक्कर काटे। अब जो ये पॉलिटिशियन का लड़का है किसी संत के आश्रम में जो है ब्लैक बोर्ड पर सुविचार लिखना, ऐसा करना, मतलब खुद की इमेज को है अब जो ये बदलना चाहता है, अपने आप को बड़ा ये जो है आध्यात्मिक दिखाना चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि मैं अब लड़कियों को छेड़ने वाला नहीं हूँ, मेरी तो इमेज चेंज हो चुकी है। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो धनु राशि की लड़की है इसको सबक सिखा कर ही रहती है। 10 साल तक वो कोर्ट के चक्कर काटती है, हाई कोर्ट हो कुछ भी हो, तो इस टाइप की होती है धनु राशि की लड़कियाँ कि अगर उनको कोई छेड़ दे तो बस वो हार नहीं मानती, भले 10 साल चले जाए कुछ भी चले जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो है मेरी राशि भी जो है धनु राशि है। ओके, तो मैंने भी 10 साल तक चक्कर काटे हैं पर मैंने छोड़ा नहीं उसको, और जो भी मेरा हिजड़ा हस्बैंड था। ओके, और तो कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन की क्वालिटी होती है कि वो न्याय के लिए लड़ती है। वो ये नहीं सोचती कि मैं बस थोड़ा सा शॉर्टकट मार लूँ, इसको सज़ा देने के चक्कर में मेरी लाइफ जा रही है, वो ये नहीं सोचती। वो न्याय के लिए लड़ती है, वो जो है चाहती है कि न्याय की एनर्जी फैले। देखो, अवेयरनेस अगर डिवाइन फेमिनाइन के अंदर नहीं आया तो नॉर्मल औरतों में तो भूल जाइए कि कभी अवेयरनेस आएगा। ओके, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने धनु राशि का भी बताया है और डिवाइन फेमिनाइन का भी बताया। मेरी राशि भी धनु राशि है।